बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अभी हमारे साथ जनाब सरदार नासिर अली ख़ान जो रावलपिंडी कैंट के प्रेसिडेंट है, ये हमारे कैंट की शान है। रावलपिंडी पीटीआई के ये इब्तदाई साथियों में से हैं, इमरान खान साहब के इब्तदाई साथियों में हैं। तो इनसे पूछते हैं कि ये जो NA61 का ऑफिस का इफ्तिताह आज हो रहा है, तो इनके क्या तासुरात हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया रावल न्यूज़ का। आप माशाल्लाह आपकी कवरेज भी बहुत अच्छी है। तो आज सर ये जो असल में मैं नहीं समझता हूँ कि ये ऑफिस का इफ्तिताह है, ये सिर्फ ऑफिस को चेंज किया गया। ऑफिस ऑलरेडी आपको पता है 3 साल गवर्नमेंट को हो गए हैं और सदर के एरिया के अंदर ऑफिस था। अभी उस जगह पे क्योंकि पार्किंग के बड़े इशू आ रहे थे, आपको पता है कि जैसे वो गुंजान आबाद इलाका है सारा, तो उसी वजह से यहाँ पे ऑफिस को लेके आए हैं ताकि लोगों को पार्किंग के ये जो मसाइल आ रहे थे उनको हल किया जा सके। तो यहाँ पे जो इलाके के लोग हैं उनके लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि उन्हें यहाँ से पहले जाना पड़ता था सदर, वहाँ उनके ऑफिस में अमर कियानी साहब को वहाँ से वहाँ पर मिलने के लिए। तो अभी इस इलाके के अंदर क्योंकि मसले मसाइल भी ऐसे हैं कि यहाँ के लोग ज़्यादा जाते थे, तो उनके लिए ये खुशी की बात है कि ऑफिस आमिर कियानी साहब का यहाँ पे दोबारा आ गया। जी तो वैसे भी देखा गया कि आमिर कियानी साहब पब्लिक में ये 3 साल, क्योंकि वो पीटीआई के जनरल सेक्रेटरी भी हैं, तो उनकी एक्टिविटीज़ मसरूफियत ज़्यादा है। तो मेरे ख्याल में ऐसा लगता है कि वो अब हमारे अपने हलके में इन होना चाहते हैं, पब्लिक के साथ रिलेशन दोबारा मुंसलिक करना चाहते हैं। देखिए जी, हल्के में जहाँ तक इन होने की बात है, ये तो आपको पता है कि हल्के के अंदर ही रहना चाहिए, ठीक है। और आमिर कियानी साहब उन्होंने पहले भी टाइम दिया है, और यहाँ हल्के के अंदर वो बैठेंगे, लोगों के ऐसे मसाइल हैं जो फौरी जो है ना जिनका हल होना ज़रूरी है। तो मैं ये समझता हूँ ये जो चीज़ें हैं इसके लिए इंतहाई बेहतर है कि आमिर कियानी साहब खुद टाइम दें, खुद आएँ, खुद बैठें, खुद लोगों के मसाइल सुने और उनको हल करने के लिए फौरी जो है ना वो अहकाम जारी करें। तो ये एक अच्छा स्टेप है कि वो लोगों के दरमियान और इस हल्के के सेंटर के अंदर ये ऑफिस बना हुआ है, यहाँ पर आके अगर वो बैठते हैं, नुमाइंदगी करते हैं, ये सबसे बेहतर है। आप अपने रावलपिंडी कैंट के हवाले से बताएँ, आपकी कैसी एक्टिविटीज़ जारी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तंजीमें बनी हुई हैं और 10 वार्डें हमारी वो कंप्लीट हो चुकी हैं, तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। तो मज़ीद उसके ऊपर हम मेहनत कर रहे हैं, जो लोगों के मसाइल हैं उनको इंशाल्लाह उजागर भी कर रहे हैं और आमिर कियानी साहब के साथ मिल के इंशाल्लाह तमाम लोगों के मसाइल हल। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच जी। ये थे जी सरदार नासिर साहब, अपने ख्याल का इजहार कर रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया। कोशिश की हमने बहुत सारे एरियाज़ को कवर करें और बहुत सारी चीज़ों को हमने कहा कि ये सीवरेज होनी चाहिए, क्योंकि वो डायरेक्टली हेल्थ से रिलेटेड है, सेहत से रिलेटेड है। वो हम इंशाल्लाह बड़े प्रोजेक्ट्स किए हैं और कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स करने जा रहे हैं। और जॉब्स का अब मैं अगर आपको चाहता हूँ कि अगर 5 मिनट मुझे आप दें, तो मैं आपको थोड़ी इकनॉमिक्स जो हमारी माशी हालात हैं इस मुल्क के जो डेवलपमेंट हुई है, मैं वो ज़रूर बताना चाहता हूँ। सारे माशाल्लाह यूथ यहाँ पर है और ये कोई देहाती इलाका है नहीं, शहरी इलाका है। तो जो आखिरी साल में जब नून को ये आइडिया हो गया कि उनके ऊपर बहुत सारे केसेस बन चुके हैं, तो उन्होंने वो कहते हैं इकोनॉमिक माइंड फील्ड जो है ना हमारे रस्तों में डाल दी, ताकि उन्होंने मैक्सिमम उसको कर्ज़े चढ़ा दिए। तो अभी रिसेंटली पिछले 2 सालों से हम कुछ 6-6 हज़ार अरब रुपया सूद के तौर पर वापस कर रहे हैं, लेकिन द गुड न्यूज़ इज़ कि हाँ भी हमने ये किया है कि अल्हम्दुलिल्लाह के जो ट्रेड डेफिसिट था जो कि 65 बिलियन से, और हमने एक्सपोर्ट्स हमारी 40 बिलियन थी, इंपोर्ट 65 थी, वो जो डेफिशिएंसी थी वो हमने पूरी की, वो ख़त्म किया। अब हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बराबरी का सिलसिला शुरू हो गया है। आपके भाइयों ने हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, 70 साल की तारीख में सबसे ज़्यादा हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने पिछले 1.5 से 2 साल में और लास्ट मंथ में सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेज जो वो भेजते हैं वो भेजी हैं, और वो एक हमारी क्योंकि बैकबोन है, वो भी अल्लाह का फजल है कि चीज़ें इम्प्रूव हुई। काश्तकार मेरे कई भाई होंगे जाए गांव जाते होंगे, इन पिछले 1.5 से 2 सालों में सबसे जो बेनिफिशरी हैं वो हैं हमारे काश्तकार, जिनको हमने हर चीज़ की कीमत डबल में दी है ताकि वो सर्वाइव करें, क्योंकि 70% हमारी इकॉनमी काश्त पे चलती है, इस पर एग्रीकल्चर पे है। तो वो एक जिसे कहते हैं ना इकनॉमिक फैक्टर्स, वो अल्लाह के फजल करम से इकनॉमिक फैक्टर्स बेहतर हैं। मैं ये मानता हूँ कि महंगाई वाला एक मसला बना था, वो इसलिए कि जो मिडल मैन है उसके बहुत सारे इश्यूज थे,
और कोई मीडिया को, ज़ाहिर है मीडिया हमारा हमेशा साथ देती थी, लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगा कि मीडिया को जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं उसको भी ज़रूर दिखाना चाहिए कि जो जहाँ जहाँ हमने तरक्की की, टेक्सटाइल जो नए, मैं खुद गया पीएम साहब के साथ तो 92 में जो इंडस्ट्री बंद हुई थी माशाल्लाह वो भी फैसलाबाद में और सियालकोट में चल गई है। वहाँ पे डेफिसिट है लेबर की, वहाँ 3 लाख 4 लाख डेफिसिट है, कम है, ज़रूरत है हमें उधर वहाँ लोगों की। तो आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, आपके मामलात अल्लाह के फजलों के हमसे बढ़ रहे हैं, सीमेंट इंडस्ट्रीज़ रिकॉर्ड 70 ईयर्स का उन्होंने अलहमदिल्ला एक्सपोर्ट्स किए हैं, आपकी कार इंडस्ट्री ने यह हालत है कि आप पिछले अगले पाँच साल 3 साल 4 साल के लिए गाड़ियाँ बुक हुई हैं। मैं ये भी समझ रहा हूँ कि हमने एहसास प्रोग्राम के थ्रू, अब हमने डेटा नया आ जाएगा अगले 2 महीने में, लेकिन एहसास के थ्रू हमने 200 अरब वो बांटा है आप सबको। ये सबसे बड़ी मैं इस पर प्राइड लेता हूँ और मुझे फ़ख्र होता है कि पीएम साहब के कहने पर मैंने एज ए हेल्थ मिनिस्टर हेल्थ कार्ड का जो चीज़ थी वो स्टार्ट की थी। इस वक्त केपी में 100% हम दे चुके हैं, कोई बंदा भी जिसका एड्रेस, एक एड्रेस भी दोनों में से, क्योंकि मेरे हल्के में अब हमने कल डिस्ट्रिक्ट कमेटी बना दी है, उसको हम पॉलिटिकल लीड दे रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट पिंडी का कन्वीनियर भी हमने मुझे कहा कि आप रखें, उसमें नोटिफिकेशन होगी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की, हमने अभी ये कल परसों नोटिफिकेशन हुआ है उस पर अब इंतज़ामिया को हमारे पास, मतलब हमारे साथ ऑपरेट करेंगे, वो एज ए सेक्रेटरी किसी काम करेगा, मैं खुद चेयर कर रहा हूँ उसको इंशाल्लाह, और हम तकरीबन फोर्टनाइटली हर 2 हफ्ते बाद उसकी एक मीटिंग होगी जिसमें ये कंट्रोल करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम पता क्या है, प्रॉब्लम हमारी सोसाइटी का भी है, जैसे आपने बात की, मैं कल लेने गया एक जगह गोश्त, उसने कहा जी कि, उसने ये एग्जैक्टली मुझसे बात की कि जी आप, मैं कहा यार इतना तो ये महंगा सारा कुछ है तो ये क्या है, कहता है जी खान साहब वो मुझे नहीं पहचानता था, इस्लामाबाद था। मैं कहा भाई मैं तुम्हारी पूरी हिस्ट्री जानता हूँ, तुम्हारे 4 घर हैं यहाँ तुम बैठे हो बेच रहे हो गोश्त, यही केला मैं जाके सदकाबाद से लेता हूँ ना मुझे 100 रुपये का मिलता है, इस्लामाबाद से लेता हूँ 200 रुपये का होता है। इसी तरह हर जगह एक लूट मची हुई है, बिल्कुल इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, ना केला उगना कम हुआ है, ना काश बम्बर क्रॉप हुई है अल्लाह के फजल करम से इसकी गंदम की, और बम्बर क्रॉप हुई है बाकी अजनास की भी। अब हमने इसको कंट्रोल किया, लेकिन अब सिविल से मेरे डिस्ट्रिक्ट पे नहीं, हमने तमाम डिस्ट्रिक्ट पे कन्वीनियंस लगा दी और तमाम एम ने उसका हिस्सा बना दिया पिज़्ज़ा में। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट 15-20 डेज़ में हम नई चीज़ें एवॉल्व करेंगे ताकि ये चीज़ें कम हो जाए।